एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पर जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पोलर रीजन्स के बारे में जाना था और हमने देखा था कि कैसे जो पोलर बियर्स और पेंगुइन्स कैसे वो एनवायरनमेंट को, उस क्लाइमेट को अडॉप्ट करते हैं। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा चैप्टर का प्लेलिस्ट डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा। सो आज जैसे कि मैंने बताया था कि आज हम करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। जैसे हमने देखा था कि पोलर रीजन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ये पूरा लेक्चर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे ही जाएगा, और इसलिए ये लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज फाइनली हमारा ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बेसिक एक्सरसाइजेस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमारा है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो आइए जानते हैं इसमें है क्या। तो इसमें है द ट्रॉपिकल रीजन हैज जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ्स द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस एंड डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर एंड दीज रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो इसमें बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करा गया है, जो आपकी एग्जाम में आ सकती है कि कैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैसे होते हैं, उनका अपीयरेंस कैसा, कौन सी जगहों पे वो प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो ना ही ज्यादा ठंडा होता है ना ही ज्यादा गर्म होता है, वो अपने अपने मंथ्स में ठंडा गर्म होता है। और इसकी और ड्यूरिंग जो हॉट समर होते हैं जैसे 40 डिग्री जो टेम्परेचर है वो क्रॉस कर देता है, और जो डेज और नाइट से इनके इक्वल होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था पोलर रीजन तक की 6 महीने 6 महीने तक मतलब सूरज ढलता ही नहीं है और अगले 6 महीने तक सूरज उगता ही नहीं है, पर यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में ऐसा कुछ नहीं होता, डेज अपने डंडे उगते और ढलते हैं, और इसलिए ये रीजन को प्लेंटी ऑफ रेनफॉल भी मिलती है। और इस रीजन का इम्पोर्टेंट फीचर है यहाँ के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत डेंस फॉरेस्ट हो गए इनके, और ये ज्यादातर फाउंड होते हैं वेस्टर्न घाट्स में, असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये सारी जितनी भी इस चैप्टर में प्लेसेस गिवन है कि कहाँ कौन सी चीजें प्रेजेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है याद करना। सो आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई होगी। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें याद ही रहती है डे टू डे लाइफ में बाय एक्सपीरियंस ही। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो बोला गया बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये बेसिकली बेसिक चीजें जो हम देखते कि एक रेन फॉरेस्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है। और ये ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो रेन फॉरेस्ट में इसलिए रह पाते क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वार्मथ रेन वो एकदम परफेक्ट होती है, जो इनके हैबिटेट को एकदम अडेप्ट करने के लिए बहुत एकदम एप्रोप्रिएट एटमोसफेयर देती है। सो आई होप आपको ये एनिमल्स भी समझ में आ गए होंगे, आप इसमें से कुछ भी याद कर लीजिए क्योंकि ये चीज तो डे टू डे में हमने देखी होगी या जूज में अगर हम जाते हैं तो देखते ही है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आगे है अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट, कैसे वो अडेप्ट करते हैं, कैसे वो क्लाइमेट से मिलते हैं, कैसे वो उसको उसमें हैबिटेट बनाते हैं अपना। फिर क्या है द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सूटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनॉर्मस नंबर एंड अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स। सिंस द नंबर्स आर लार्ज सो देयर इज एन इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड शेल्टर एंड मेनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज। लाइक द रेड आइड फ्रॉग हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस टू एंड देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन इजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है जो ये पैराग्राफ है,
क्योंकि इस पैराग्राफ में हमें बहुत चीजों के बारे में, बहुत वेराइटीज के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले इसमें है क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में कि कैसे रेन फॉरेस्ट के जो क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं वो बेसिकली इतने सूटेबल होते हैं कि वो इनॉर्मस नंबर ऑफ वेराइटीज को सपोर्ट करते हैं वहां पे रहने के लिए। अब जैसे हमने पोलर रीजन में देखा तो पोलर रीजन में सिर्फ वही एनिमल्स मतलब वही एनिमल्स अडेप्ट कर पा रहे थे उस एटमोसफेयर को जिनके थिक कवर्स थे। मतलब आप हर एनिमल्स के थिक कवर्स नहीं हो सकते, तो ऑब्वियसली बात है कि वो हर वो मतलब एकदम ठंड का जो टेम्परेचर वो अडेप्ट नहीं कर सकता। वेयर एज ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है वो उसका उल्टा है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट होता है वो इतना सूटेबल होता है कि ज्यादातर वेराइटीज के एनिमल्स यहीं पे अपना हैबिटेट अपना अडेप्टेशन यहीं करना चाहते हैं। और इनमें से एक है रेड आइड फ्रॉग। सो अगर आपने रेड आइड फ्रॉग में देखा हो तो वो कुछ ऐसा दिखता है। मतलब इसकी ये रेड आइड इसलिए होता है क्योंकि इसकी ऑब्वियसली आइज रेड होती है। और ये ऐसा फ्रॉग है जिसके हाथों में स्टिकी पैड्स है। मतलब ये कुछ ऐसे इतने स्टिकी होते हैं कि वो इजिली अपने जो ट्रीज है उसको उस पर चढ़ सकते हैं। और वो उन्हीं ट्रीज पे चढ़ते जहाँ पे उनका मतलब जहाँ पे उन्होंने अपना घर बनाया होता है बेसिकली। और उसी के जैसे मंकीज होते हैं जो अपनी लॉन्ग टेल से दूसरी एक से दूसरी ब्रांचेस पे अपने हैंड्स और फीट की मदद से एक दूसरे से ट्रीज की ब्रांचेस पे चल पाते हैं, जैसे कि आपने देखा भी होगा मूवीज या एनिमेशन मूवीज में। ठीक है, सो इसमें बेसिकली रेड आइड फ्रॉग के बारे में आपको जाना जा सकता है क्योंकि रेड आइड फ्रॉग एक नया टॉपिक है, नया टाइप की स्पीशीज है जो आप इस बुक में पढ़ रहे हैं। सो इसको आपका याद रखना जरूरी है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाली स्लाइड भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एज देयर इज अ कॉम्पिटिशन फॉर फूड सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट इजिली रीचेबल। अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट द बर्ड टोकन विच पजेसेस अ लॉन्ग लार्ज बीक एंड दिस हेल्प्स अ टोकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। तो बेसिकली अगर आपने टोकन नहीं देखा तो वो कुछ ऐसा होता है जिसकी इसकी आप देखिए तो इसकी बॉडी से ज्यादा इसकी जो बीक है वो ज्यादा लंबी है। तो ये बीक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है इसको उस हैबिटेट में जिंदा रखने का, क्योंकि इनकी बॉडी इतनी छोटी होती है कि वो जो फ्रूट है उस तक पहुंच नहीं सकते। तो इनकी बीक इनको मदद करती है उस फ्रूट तक पहुंचाने में। और ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ अ टोकन्स बीक। वो ये है कि वो हेल्प करता है टोकन को फ्रूट्स तक मतलब जो ब्रांचेस पे फ्रूट्स लगे उस तक पहुंचने में और ताकि वो सर्वाइव कर सके उस हैबिटेट में। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्योंकि ये टोकन भी आपके लिए नया है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये टोकन वाला भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे है मेनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग शार्प आईसाइट थिक स्किन एंड अ स्किन कलर विच हेल्प्स देम टू कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। तो कैमोफ्लेज का मतलब ये होता है कि उन एनिमल्स का वो वैसा कलर है जो उस एनवायरनमेंट में घुलने लायक हो और हमें बिल्कुल ना दिखे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ट्रीज का कलर ग्रीन होता है तो कोई कोई एनिमल्स वर्ल्ड में ऐसे होंगे जिनका जो फर का कलर होगा वो ग्रीन होगा और वो उसमें रहते हैं तो वो इस तरह से घुल जाते हैं उसमें कि हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। और ये उनको हेल्प करता है उनके प्रेडेटर्स उनके जो दुश्मन है और अपना जो खाना है वो इजी पकड़ पाते हैं। ठीक है, एंड दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स। एंड फॉर एग्जांपल बिग कैट्स लायंस एंड टाइगर्स हैव थिन स्किन थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग। द लायन टेल्ड मकाउ ऑल्सो नोन एज बियर्ड है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसको लायन टेल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपने इसकी इनकी जो टेल होती है बहुत लंबी होती है और जो इनका ये फर होता है वो एकदम लायन जैसा ही होता है जैसे लायन के फेस पे होता है। ठीक है, एंड लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इट इज मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर व्हाइट मेन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन। इट इज गुड क्लाइंबर्स एंड स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स। इट ऑल्सो ईट सीड्स यंग लीव्स स्टेम्स फ्लावर्स एंड बर्ड्स। दिस बियर एप ऑल्सो सर्चेस फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ द ट्री। सिंस इट इज एबल टू गेट सफिशियंट फूड फॉर द ट्रीज इट रेयरली कम्स डाउन ऑन ग्राउंड। तो ये एक ऐसा एक कह सकते हैं एप है जो मतलब उसका सारा काम उसका लिविंग उसका फूड सब कुछ उसे बस ट्री पे बैठे बैठे ही मिल जा रहा है। मतलब कैसे वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे ऐसे
क्योंकि इनकी जो मैंने बताया था कि टेल एकदम लाइन जैसे होते तो बहुत लंबी होते, तो इसलिए वो इजीली जंप पाते हैं एक से दूसरे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में 110% आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे वो अपनी लिविंग करता है। सो बेसिकली इसमें इसकी जो स्पेशलिटी है वो है इसकी सिल्वर मेन, जो कि इसके ये हेयर्स है जो एकदम इसके फेस को सराउंड करते हैं। और ये ज्यादातर फ्रूट्स खाते हैं कुछ ऐसा, और पर ये कभी कभी यंग लीव्स या फिर इंसेक्ट्स जो बाग्स है, अगर आपने देखे होते हो पुराने लकड़ में जैसे इंसेक्ट्स लग जाते तो वो उनको भी खाता है, और इसलिए उसी से उनका इतना सफिशियंट फूड मिल जाता है कि वो ग्राउंड में कम ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपके बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चन बन सकते हैं। और स्पेशली ये कि ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं सबसे ज्यादा वेस्टर्न घाट्स में। तो ये सबसे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत है इस टॉपिक में, और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर डबल स्टार मार्क कर दीजिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। सो आगे बोला गया, अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट is the elephant. It has adapted to the conditions of rainforest in many remarkable ways. It uses its trunk as a nose because of which it has a strong sense of smell. The trunk is also used for picking up food. Moreover, its tusks are modified teeth. These can tear the bark of trees that elephant loves to eat. So the elephant is able to handle the competition for food rather well. Large ears of the elephants help into hear even very soft sounds. They also help the elephants to keep cool in the hot and humid climate in the rainforest. So basically, अगर आप हमने देखा हो तो रेन फॉरेस्ट में हमें सबसे पहला ख्याल आता है एलिफेंट्स का, क्योंकि वो बहुत लार्ज एनिमल होते हैं और बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन में वहां मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सबसे मेजर रोल प्ले करता है इनकी इनके लिए नोज, क्योंकि ये जो नोज है इनकी, जो इनको हम ट्रंक कहते हैं, तो यही इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम करते हैं, क्योंकि यही चीज पूरी इनकी लिविंग संभालती है, क्योंकि इससे ये खाना उठाते हैं, इसी से ये क्या बोलते हैं बेसिकली अपना सब कुछ काम करते हैं। और जो इनके ये जो टीथ होते हैं, जो इनके ऐसे टीथ होते हैं वो हेल्प करते हैं टियर करने में डिफरेंट डिफरेंट वुड्स को। मतलब हम कह सकते हैं कि जो एलिफेंट है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल और द बिगेस्ट एनिमल है पूरे रेन फॉरेस्ट के, और यही ये इसलिए मतलब पेड़ तक ये उखाड़ सकते हैं, मतलब पेड़ तक ये अपने टीथ की मदद से उखाड़ सकते हैं जो इनके लिए इनका फूड का काम करता है। और इसलिए इनके लिए भी रेन फॉरेस्ट में रहना बहुत आसान है, क्योंकि इनके लिए ज्यादातर आस पास ही होता है, और जो इनके लार्ज ईयर्स होते हैं वो हेल्प करता है। मतलब एक माइन्यूट से अगर एक घास भी ये हवा में हिली तो इनको आवाज आ जाएगी उस चीज की कि ये हिला, तो इसका भी उनके ईयर्स इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है कि एलिफेंट्स के कौन कौन सी चीजें क्या क्या उनकी उसमें मदद करती है। ठीक है, सो ये वाला भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये वाला भी चैप्टर ओवर होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के बैच एक्सरसाइजेस देखेंगे, और इस चैप्टर में आपके ज्यादातर एमसीक्यूज है एज अ बैच एक्सरसाइजेस। ठीक है, सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगी। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बैच एक्सरसाइजेस देखेंगे। इससे पहले आप एक बार सब कुछ रिव्यू कर लीजिएगा ताकि आपको बैच एक्सरसाइजेस करने में आसानी हो और ताकि आप इजीली आंसर कर पाए। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।